ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ। हिमाचल प्रदेश में नवी सरकार का आगाज हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री दे अहुदे दा हलफ लिया है। राज्यपाल ने अहुदे दे भेद कुप गुप्त रखने की सहु चुकाई है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने ने, पहले उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने ने। तो इतने वेख सकते हो तुम तस्वीर, ये उस समय दस्वीर ने जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम अहुदे का हलफ लिया। तो राज्यपाल ने सहु चुकवाई है। मुकेश अग्निहोत्री पहले उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने ने। हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बने ने। तो सहु चुक समागम में कांग्रेस प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस तो अलावा राहुल गांधी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी मौजूद रहे। तो प्रियंका गांधी के नाल ही प्रतिभा सिंह नजर आई। प्रतिभा सिंह प्रियंका गांधी नाल ही बैठे सन। तो मुकेश अग्निहोत्री ने वड्डा दावा किया है कि सारे चोण वादे पूरे किए जाएंगे। दो तस्वीर तुसी वेख रहे हो। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री अहुदे दी जदों हलफ लै रहे सन सुखविंदर सुक्खू, ते दूजी तस्वीर मुकेश अग्निहोत्री दी जो डिप्टी सीएम दी सहु चुक रहे सन। उस समय दीआं इह तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां। पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बने ने। ते अज नवी सरकार दा आगाज हिमाचल प्रदेश विच होया सुक्खू सरकार। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अशुभ रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बहुत उम्मीद जताई है कांग्रेस पार्टी में, एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए, महिलाओं को 1,00,000 नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं देखिए हम साथी हैं, पहले वो अध्यक्ष होते थे, मैं मिनिस्टर होता था, आज हम ये जोड़ी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल, जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया। पहला ओपीएस बहाल करेंगे। We are all very happy and we want to implement whatever we promised as soon as possible.